वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का चयन हो चुका है, जिसमें 20 मेंबर्स को यानी 20 प्लेयर्स को शामिल किया गया है। लेकिन इस टीम में भुवनेश्वर कुमार नहीं है, जिसके बाद उनके फैंस और क्रिकेट जानने वाले लोग ये अक्सर सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें भला क्यों नहीं रखा गया इस टीम में। लेकिन अब वो वजह सामने आ गई है जो आपको ये समझाएगी कि भुवनेश्वर कुमार इंग्लैंड दौरे पर क्यों नहीं जा रहे। भुवनेश्वर कुमार ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज और IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की है। इन सब के बाद BCCI ने उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए नहीं चुना, यानी भरोसा नहीं जताया। आखिरी बार भुवनेश्वर कुमार ने साल 2018 में टेस्ट मैच खेला था और इसके बाद से वो लगातार चोटिल हो रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिलेक्टर्स ने भुवनेश्वर कुमार को इसलिए नहीं चुना है क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेट में वो अपनी फिटनेस को लेकर अनिश्चित थे। भारतीय टीम करीब 4 महीने के लिए इंग्लैंड दौरे पर जा रही है और ऐसे में मीडिया रिपोर्ट की माने तो सिलेक्टर्स को लगता है कि अभी भुवनेश्वर कुमार इतने लंबे टाइम तक किसी दौरे पर जाने के लिए और लंबे फॉर्मेट में खेलने के लिए फिट नहीं है, इसलिए अच्छा है कि उन्हें फिलहाल आराम दिया जाए और इसी वजह से उनका सिलेक्शन ना तो WTC के लिए हुआ है और ना ही इंग्लैंड दौरे के लिए।